नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 9 अक्टूबर, कल के सेशन की बात करें तो करेंसी में हमने एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा, 73.60 के ऊपर करेंसी जा नहीं पा रही थी और प्रेशर में आने की वजह से 73.37 पे क्लोज होते हुए दिखाई दी। वहीं यूरो की बात करें, यूरो में भी हमने गिरावट आती हुई देखी। जीबीपी में हमने लोअर लेवल से थोड़ी बाउंस आते हुए देखा, जिस ढंग से डॉलर में गिरावट थी और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है डॉलर पे, या हम बोल सकते हैं न्यू फिस्कल स्टिमुलस के ऊपर भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते कल हमने पाउंड में थोड़ी बहुत लोअर लेवल से बाइंग आती हुई देखी, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग कहेंगे। और प्राइजेस ने 0.20% से तेजी दिखाते हुए 94.73 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं येन भी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल जिस ढंग से हमने देखा, डॉलर इंडेक्स बिल्कुल भी 94 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और डॉलर की जो गिरावट थी, जिसके चलते आज के सेशन की जो ओपनिंग रहेगी वो हम नेगेटिव देख पाएंगे। हम देखेंगे 73.25 के करीब USD/INR ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यूरो में नो डाउट हमने थोड़ा पॉजिटिवनेस देखा है, जो 90 लेट से अगर हम यूरो की बात करें तो 86.30-85 के करीब जाएगी, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही। इंटरनेशनल में नो डाउट प्राइजेस 1.18 के बिल्कुल करीब है, बट अभी भी ब्रेक्जिट को लेकर, डेटा पॉइंट को लेकर कंसर्न या अनसर्टेनिटी पड़ी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं डॉलर वीकनेस का एक सपोर्ट जरूर मिल सकता है, बट उससे ज्यादा बड़ा जंप नहीं दिखता। जबकि पाउंड की अगर बात करें तो पाउंड में आज थोड़ा बहुत हम सपोर्ट देख सकते हैं, प्राइजेस 95-95.10 तक का एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। वहीं येन की भी अगर बात करें तो प्राइजेस वैसे 69.50 के नीचे तो डाउन ही दिखा रहा है, बट ओवरऑल आज 69 से लेकर 69.30 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज जापान के डेटा खराब आए थे, जिसके चलते डॉलर में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, बट चाइना से हमने देखा कि बेस मेटल के लिए डेटा काफी अच्छा आया, जिसके चलते आज मेटल में तेजी रही। और मेटल की तेजी का मतलब है डॉलर में गिरावट। डॉलर में गिरावट के चलते आज हम पूरे अदर करेंसीज में कुछ हाल देख पाएंगे। वहीं जीबीपी से अगर हम बात करें तो यूके साइड से कंस्ट्रक्शन आउटपुट का डेटा आना है, जो काफी खराब आने की उम्मीद है। जीटीपी का डेटा आना है, वो भी ऑलमोस्ट खराब ही है। इंडेक्स ऑफ सर्विस 3 मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें, उसमें थोड़ा बहुत अच्छा इजाफा आ रहा है। मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डेटा ये खराब आते हुए जा रहा है। यूरो जोन से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा खराब आ रहा है, जिसके चलते आज हम ओवरऑल यूरो और पाउंड में गिरावट देखेंगे। डॉलर में लेटर आवर्स में हम रिकवरी देख पाएंगे। वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करें तो प्राइजेस 200 DMA के नीचे होल्ड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं 93.20 तक का लेवल दिखा सकता है। पाउंड में भी अगर हम देखें तो रेंज बाउंड ही एक्टिविटी मार्केट में ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। आज USD/INR में बेच के चलिए, 73.20 का इमीडिएट सपोर्ट है। वहीं यूरो में भी थोड़ा बहुत दबाव है, जो डाउन साइड में 86 तक का लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आप तक हम इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।